नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू की टू डीएल हिंदी चैनल। आप लोगों को और एक बार स्वागत है इस चैनल में। और अभी हम बात करेंगे एक बहुत लंबा एंड इंटरेस्टिंग ड्राइविंग के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा लाइफ कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं निकल रहा हूँ अभी एक भीला एरिया से, तो ये अभी मोस्टली एग्जिट रूल लागू होगा। अब फिर आगे जाएंगे तो काफ़ी सारा लंबा, जैसे कि 80 रोड्स है, 100 रोड्स है, मोटरवेज है, सभी में कैसे आपको एग्जैक्टली ड्राइविंग करना है मैं बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे आपको स्लो जाना है। ये प्राइवेट काइंड ऑफ प्राइवेट एरिया है, सो इसीलिए आपको, जैसे यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी आ रहा है तो उसके लिए एग्जिट रूल ही है। तो आगे देखिए वो सब, जैसे कि वो कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है वहाँ पे देख सकते हैं, बट यहाँ पे राइट हैंड रूल लागू होगा। तो कहाँ पे राइट हैंड रूल लागू होगा, कहाँ पे एग्जिट रूल लागू होगा, यहाँ पे देखिए वो जो रोड है वहाँ से अगर कोई आएगा तो वहाँ पे एग्जिट रूल होगा। क्योंकि एग्जिट रूल होगा वहाँ पे, क्योंकि वो एक अपार्टमेंट और वो कोई भीला से गाड़ी आ रहा है। बट अगर नॉर्मली देखें तो वो वहाँ पे राइट हैंड रूल लागू होगा। तो यहाँ पे अभी आप स्लोली 30 के स्पीड लिमिट में, कोई स्पीड लिमिट नहीं कहीं पे है तो आप ये जान लीजिए कि वो 30 है, 20 है, तो भीला एरिया है तो इसीलिए आप 30 में चलाइए। तो यहाँ से मुझे अब राइट टर्न लेना है, राइट टर्न लेके फिर एक रेलवे क्रॉसिंग आएगा। तो ये देखिए, ये एक रेलवे क्रॉसिंग है और यहाँ पे देखिए वो येलो लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो वहाँ पे स्टॉप नहीं है, तो इसका मतलब है आप जा सकते हैं, बट स्टिल आपको देखना है दोनों साइड में रेलवे ट्रैक में। तो काफ़ी सारे चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं। ये देखिए जहाँ पे ऐसे काफ़ी बड़ा बड़ा हम्प्स है और उसी टाइप का रोड है, तो आप जान लीजिए कि वो 30 स्पीड लिमिट है। और कभी भी कहीं भी कोई बच्चा आ सकता है, तो इसीलिए हर टाइम आपको स्कैन करते रहना है मिरर और आउटसाइड ऑफ द कार। यहाँ से मुझे राइट जाना है, यहाँ पे देखिए वो जो है वहाँ पे, यहाँ पे राइट हैंड रूल लागू होगा क्योंकि वहाँ से जो गाड़ी आ रही है उसके लिए एग्जिट रूल लागू होगा, क्योंकि वो पार्किंग एरिया से आ रही है, एक भीला या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एरिया में आ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट हैंड रूल, क्योंकि एक यहाँ पे हर किसी को स्टॉप करना है और दोनों साइड में देख के जाना है। यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट है, लेकिन आपको ये देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको 30 स्पीड लिमिट में चलना होगा। तो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए स्पीड लिमिट के लिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको कुछ साइड में रोड ब्लॉक्स है कुछ साइड में, तो इसीलिए ज़्यादा स्पीड मत लीजिए। दोनों साइड में
ये बाईवे रोड है, वो एक ट्रैफिक लाइट है, उसके बाद फिर 70 स्पीड लिमिट है। तो ये जो ये हम लोग बोल सकते हैं इसको कंट्री रोड ड्राइविंग है, और इसी में अभी 70 स्पीड लिमिट आ गया है। तो आगे देखिए और एक 70 है स्पीड लिमिट, लेकिन एक रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक में ये जो ब्लिंकिंग येलो लाइट है उसका मतलब है आप क्रॉस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दूसरा जो स्पीड लिमिट साइन है वो देखना है, और हर टाइम आपको स्कैन करते रहना है। पीछे दो गाड़ी आ रही है बट स्पीड लिमिट 70 है, मैं 70 में जा रहा हूँ, तो इसीलिए कोई उनको एक गाड़ी पीछे से राइट टर्न ले लिया, तो अभी स्पीड लिमिट हो गया 80, तो मुझे 80 करना है, अभी बढ़ाना है। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे एक जगह अभी मैं जाके राइट साइड में मैं जाके थोड़ा देर के लिए स्टॉप करूँगा गाड़ी, और वो आपको बताने के लिए स्टॉप करूँगा। तो मुझे अभी से प्लान करना पड़ेगा, पहले से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा हार्ड शोल्डर है इसी रोड में। तो आगे जहाँ पे जो एल्युमिनियम का जो आप देख रहे हैं, जब ये एरो तो नहीं इसको बोलते हैं, जहाँ पे आपको मतलब कहीं पे अगर बस स्टॉप वगैरह आ रहा है ना आगे से, आप वहाँ से प्लान कर सकते हैं कि कुछ देर रुक सकते हैं, या फिर अगर टर्न लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि आपको पीछे वाला गाड़ी आगे वाला गाड़ी सबको देखना है। तो राइट टर्न इज ऑलवेज जैसे कि होता है थोड़ा सा इजी है, तो मुझे अभी यहाँ पे मुझे राइट टर्न लेके यहाँ पे मुझे थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए जस्ट 2 मिनट के लिए मुझे रुकना है, तो मुझे एग्जिट लूट लागू होगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से बोथ साइड मिरर देख लिया, चेक कर लिया, ब्लाइंड स्पॉट देख लिया, फिर इंडिकेशन किया, फिर उसके बाद मैं तुरंत आ गया लेन में, और इमिडिएटली मुझे 80 जो स्पीड था उसी को जस्ट 2-3 सेकंड के अंदर मुझे वो 80 स्पीड में आ जाना है। सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है कि ये कंट्री रोड ड्राइविंग है, जब आप ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हो उसमें, तो जब ड्राइविंग इंस्पेक्टर बोलता है कि वहाँ पे आप देख रहे हो और उसी में जैसे उसी पर्टिकुलर पोजीशन में आपको राइट टर्न लेना है, तो वो पर्टिकुलर पोजीशन वो जो बोलता है और आप जब समझते हो, वो अगर समझ नहीं पाए तो उसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है प्लानिंग करने में। अगर आप समझ नहीं पाए उसको पूछो, नहीं तो आगे चले जाओ और फिर बोलो कि अब उसी वहाँ पे डिफ़िकल्ट था तो मैं नहीं कर पाया, तो समझ नहीं पाया, तो आगे आप दूसरे जगह बताना, वहाँ पे मैं करता हूँ राइट टर्न या लेफ्ट टर्न जो भी है। तो और जो क्योंकि ये हाई स्पीड होता है और नए लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज होता है, तो इसीलिए आपको हर टाइम ध्यान रखना है कि पीछे वाला गाड़ी और आगे वाला गाड़ी के अंदर डिस्टेंस कितना है और कितना सेफ है। आपको सेफ चलाना है और विद इन स्पीड लिमिट चलाना है। जैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोड है, आप देखिए 2 लेन है, परफेक्ट 2 लेन है, बहुत छोटा सा हार्ड शोल्डर है। अब मुझे यहाँ से राइट टर्न लेना है, तो ये जो आगे वाला राउंड अबाउट है वहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है, पीछे कोई गाड़ी नहीं है, यहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है। तो मैं राइट साइड में लेन में आ गया, तो काफ़ी बड़ा राउंड अबाउट है, कोई नहीं है,
ओके, ये 110 आ गया स्पीड लिमिट। तो आप जैसे 110 हो गया तो उसी में आपको 110 में लेना है और उसी टाइम से आपको मिरर में स्कैन करना है, दोनों साइड मिरर, कोई गाड़ी नहीं है अभी, दोनों साइड में मैं चेक कर लिया। अब यहाँ से इंडिकेशन देना है विदाउट स्पीड लिमिट देख के, ब्लाइंड स्पॉट आपको ज़रूर चेक करना जब आप मर्ज कर रहे हैं। अब जैसे मर्ज हो गया आपको पीछे वाला देखिए और आगे वाला जो स्पीड लिमिट साइन था उसको देखिए और फिर आराम से चलते रहिए। तो वंस मर्ज होने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फिर आराम से आप चला सकते हैं। अगर ये ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग एग्जाम में आपका होता है, स्पेशली इन स्वीडिश ड्राइविंग टेस्ट में, तो आपको पर्टिकुलरली ये ध्यान रखना है जब एक्सीलरेशन लेन आता है और मोटरवे में आप ज्वाइनिंग करते हैं तो बहुत बड़ा वो रिक्स माना जाता है। अगर गलती से भी आप कुछ मिस्टेक किया वहाँ तो आप ज़रूर फेल होंगे, फेल होने का चांसेस वहीं पर है। तो इसीलिए और जनरली आप लेफ्ट लेन में मत जाइए क्योंकि वो भी एक मिस्टेक माना जाता है अगर लेफ्ट लेन में चले जाते हो पहले जाते ही। तो इसीलिए डोंट गो टू लेफ्ट लेन में मत जाइए, राइट लेन में रहिए। और राइट लेन में रहने के बाद जो जो लेफ्ट लेन में होता है वो ओवरटेकिंग करने के लिए जाता है और हाई स्पीड में जिसको जाना होता है उसी में जाता है। तो इसीलिए राइट लेन में जाइए। और एग्जामिनर जनरली पूछता है कोई थोड़ी देर आगे एग्जिट लेना है, तो आपको एग्जिट प्रॉपर वे में लेना है और एंट्री भी प्रॉपर वे में करना है, वो दोनों अदरवाइज मेजर रिस्क माना जाता है। और जो मेजर रिस्क होता है उसी में कोई एक्सक्यूज नहीं होता, आप अगर गलती किए तो आप फेल होना ही होना है। तो इसीलिए अभी पीछे गाड़ी है, स्पीड लिमिट सही है, आगे गाड़ी है, जो डिस्टेंस है ये दोनों का ठीक है अभी, इसीलिए आराम से स्टीयरिंग पकड़िए, स्कैन करते रहिए मिरर को, दोनों साइड मिरर मतलब आगे पीछे दोनों विंग मिरर सर इसको सबको स्कैन करते रहिए। मुझे 288 लेन में जाना है, 288 में जो उस्तामार जा रहा है तो उसी में, अभी यहाँ पे 500 मीटर में मुझे एग्जिट लेना है। तो अभी जब एग्जिट लूँगा आप ध्यान से रखिएगा कैसे एग्जिट ले रहा हूँ और एग्जैक्टली उसी सेम तरीके से आप एग्जिट लेना, क्योंकि एग्जिट लेने के लेना मतलब है आपका सही वे से एग्जिट लेना है। तो ये जो 188 है वहाँ पे एग्जिट लूँगा मैं। तो अभी एग्जिट साइन दिख रहा है यहाँ से, तो इंडिकेटर दिया, मैं अंदर चला गया यहाँ पे ये, और तब तक मुझे स्लो नहीं करना है। अब देखिए वो जो एक 70 स्पीड लिमिट है यहाँ पे, तो आप पेडल से हटा लीजिए। अब यहाँ पे मुझे फास्ट एग्जिट लेना है, राइट साइड एग्जिट, तो यहाँ पे मैं दूंगा। अभी राइट इंडिकेटर ऑन कर दिया, ये मोटरवे बंद हो गया, मोटरवे रोड साइन, पीछे वाला गाड़ी यहाँ पे कोई लेफ्ट साइड में नहीं है तो मैं आराम से जा सकता हूँ। अभी देखिए 100 स्पीड लिमिट आ गया। तो यहाँ पे इमीडिएटली आपको ये दो लेन है, ये बोलते हैं 2+1, उसी साइड से 1 है, इसी साइड से 2 है। तो यहाँ पे कोई इसी स्टेज में कोई अगर एग्जिट करना चाहता है तो वो कर सकता है। और वहाँ पे आगे अगर देखेंगे ये देखिए 200 मीटर में वो मर्ज हो जाएगा ये लेन। तो इसीलिए अभी यहाँ पे देखिए और एक साइन दिया हुआ है, यहाँ पे मर्ज हो रहा है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड रोड, ये राइट साइड लेन में मर्च हो रहा है। तो आपको लेफ्ट साइड में कोई गाड़ी नहीं है तो आराम से जा सकते हैं। वहाँ वाला आगे वाला जो है, ये आगे वाला राउंड अबाउट जो आ रहा है, अभी देखिए ये 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट है बट वो 200 मीटर के बाद है। ये बड़ा स्ट्रेंज राउंड अबाउट है क्योंकि दोनों साइड से 70 किलोमीटर से एंट्री है, लेकिन वो राइट साइड में जो एंट्री कर रहा है उसी के लिए वो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में एंट्री है। तो इसीलिए आपको लेफ्ट साइड में देखना है तो कोई गाड़ी, एक गाड़ी आ रही है
तो दूसरा गाड़ी भी आ रही है तो मुझे वेट करना है, और एक तीसरा भी एंट्री हो गया तो चौथा भी एंट्री हो गया, तो आपको ध्यान से वेट करना है। ओके, अभी मैं लेफ्ट साइड में कोई गाड़ी नहीं है तो मैं एंट्री कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि आप इनर लेन में आओ या आउटर लेन से फिर आके इंडिकेशन देना है नहीं देना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वहाँ तक जब मैं जाता हूँ तब तक वो स्पीड लिमिट नहीं है, तो यहाँ से वहाँ तक कितना स्पीड लिमिट में डालना है। अब देखिए यहाँ तक क्योंकि 60 या 70 में था तो 70 या 60 के अंदर डालिए, जब 80 आ गया आप उसके बाद ही इंक्रीज कीजिए। तो नए ड्राइवर्स को या नए जो लोग लर्नर्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है हर टाइम, क्योंकि वो स्पीड लिमिट के ऊपर है। स्पीड लिमिट फोकस करें या फिर मिरर स्कैन करें या फिर और कुछ करें, तो इसीलिए वो थोड़ा सा नर्वस रहते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है। तो आप जब भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं तो ये सब ड्राइविंग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ चीज़ जो है ना वो आप सही ढंग से आप लर्न कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी ये हाईवे ड्राइविंग और ये जो मोटरवे ड्राइविंग होता है, हाई स्पीड रोड ड्राइविंग होता है, यहाँ पे जो लोग यूएसए से आते हैं, जो लोग इंडिया से आते हैं, जो एशियन कंट्री से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं सपोज, तो उन लोगों का रूल्स तो सिमिलर होता है बट थोड़ा थोड़ा ट्विकिंग होता है। मतलब आपको पूरा एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा। तो और यहाँ पे अगर कोई एक जना अगर नहीं चलाता है और कंफ्यूज कर देता है तो बहुत बड़ा आगे जो है क्यू फॉर्मेशन कर देगा बहुत सारा गाड़ी को, तो उसी में वही दिक्कत है। तो आपको अच्छी तरह से आपको सीखना है, अगर नहीं है तो कुछ क्लासेस ले लीजिए ड्राइविंग स्कूल से, इमीडिएटली आके मत सीखिए, मत पकड़िए और गाड़ी चलाना शुरू कर दीजिए। आपको पता है कि आपको ड्राइविंग पता है बट ये जो हाईवे और ये सब रूल्स पता अगर नहीं है तो थोड़ा सा या कुछ अच्छे वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे 60 में जा सकते हैं, यहाँ पे ये सिर्फ नाउ अगेन देखिए ये वाला 2+1 वाला एक रोड आ गया, तो यहाँ पे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, नहीं तो जनरली पीछे वाला गाड़ी यहाँ पे ओवरटेक करते हैं। ये जब 100 हो जाएगा तब मुझे 100 करना है क्विकली, इसमें 100 ये देखिए 100 कर दिया। अभी आराम से जाइए 100 में। अभी आगे वाला एग्जिट मुझे अभी यहाँ से दिख रहा है और मुझे यहाँ से लेना है एग्जिट, तो इसीलिए मुझे तब तक स्लो नहीं करना है स्पीड लिमिट जब तक एग्जिट पॉइंट नहीं आ जाता। तो यही एक गलती करते हैं बहुत लोग। तो इसी वीडियो में आप जान गए कि कैसे एंट्री करना है, एक्सीलरेशन लेन से मर्ज करना है मोटरवे से, और यहाँ पे इंडिकेटर स्टार्ट किया और बिना स्लो करके वो मैं एग्जिट कर लिया। जब एग्जिट हो गया ये देखिए इमीडिएटली स्पीड लिमिट 70 हो गया। यहाँ पे हल्का सा ब्रेक डाल सकते हैं या फिर पेडल से आपको हटा दिए। ये देखिए यहाँ पे मुझे वेट करना है या यील्ड करना है, यहाँ पे आ गया ये सिटी ड्राइविंग की तरफ। यहाँ पे देखिए 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट आ गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ गया, काफ़ी सारा भीला आ गया, तो यहाँ पे आप स्लो हो जाइए और आराम से चलाइए। बट बी केयरफुल विद ऑल द किड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ वो कभी भी आ सकते हैं, तो इसीलिए आराम से आप चलाइए। अगर आप लोगों को ये हिंदी वाला वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लोग ज़रूर कमेंट करो या लाइक करो, या आपके फ्रेंड है कोई सीख रहा है ड्राइविंग तो आप उसके साथ शेयर करो। और मैं और एक वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।